हेलो एंड वेलकम गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैब फूड किचन आर्ट में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा और सूजी से बहुत ही इंस्टेंट नाश्ता। गाइज यह खाने में बहुत ही लाइट होगा, इसे हम बिना फ्राई किए हुए ही बनाएंगे। इसके साथ हम सर्व करेंगे बहुत ही यूनिक चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गाइज हम एक बाउल में एक कटोरी पोहा लेकर इसे अच्छी तरह धुलकर ड्रेन कर लेते हैं। मैंने इस तरह से इसका पानी निकाल दिया है। गाइज अच्छी बाउंडिंग के लिए अब हम इसमें आधा कटोरी सूजी ऐड कर लेते हैं। सूजी ऐड करने से हम इसे अच्छी तरह से आटे के जैसे गूंथ सकेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर कुछ समय के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। इन सबको मिलाते समय अगर यह सूखा लग रहा है, इसका आटे जैसे डो नहीं बन पा रहा है, तो हम इसमें ज़रा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए गाइज ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कुछ समय के लिए ढककर रख देंगे। अब हम 8 से 10 मीठी नीम की पत्ती और 2 लाल मिर्च लेकर इसे रफली चॉप कर लेते हैं। दोस्तों मेरे पास ताज़ी नीम की पत्ती नहीं थी, इसलिए मैंने घर पर रखी हुई सूखी मीठी नीम की पत्ती ले ली है। आप किसी भी प्रकार की पत्ती यूज कर सकते हैं। देखिए गाइज मैंने इस प्रकार से इन्हें चॉप कर लिया है। सॉफ्ट होने के लिए हम डो को कुछ देर तक ढक कर रख दिए थे। अब इसमें हम इन सबको भी ऐड कर लेते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मीठी नीम की पत्ती ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इस डो से कुछ इस प्रकार से गोलियां बना लेते हैं और उसे अपने हाथों में फ्लैट करके और बीच में एक छेद कर लेते हैं। देखने में यह कुछ दाल बड़ा जैसे दिख रहा है। हम एक एक करके सभी को इसी प्रकार तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अगर इनको बनाते समय ये हाथ से चिपक रहे हों तो हम हाथों में ज़रा सा तेल लगा लेंगे। गाइज मैंने इन सबको बना के कुछ इस प्रकार से तैयार कर लिया है। इन्हें हम हेल्दी बनाने के लिए फ्राई नहीं करेंगे बल्कि स्टीम करेंगे। स्टीम देने के लिए हम एक कढ़ाई में ज़रा सा पानी गर्म करेंगे। अब हम एक स्ट्रेनर या छेद वाली थाली को ऑयलिंग कर लेंगे। गाइज ऑयलिंग करने के बाद हम तैयार पोहा इडली को स्टीम करने के लिए एक एक करके इन पर रख देंगे। हम इनको रखते समय थोड़ी सी दूर दूर रखेंगे जिससे स्टीम देने पर यह एक दूसरे से चिपक ना जाएं। देखिए गाइज मैंने कुछ इस प्रकार से इनको रख लिया है। हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में सेट कर लेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। गाइज हम 7 से 8 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। तब तक हम इसके सेकेंड पार्ट चटनी की तैयारी कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए हम किसी फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल डाल लेंगे। मैंने यहाँ तवे का ही उपयोग किया है। तेल को अच्छी तरह से तवे में फैला लेंगे। तेल के गर्म होने पर हम 2 पार्ट्स में कटे हुए टमाटरों को कुछ इस प्रकार से इस पर डाल लेंगे। इन टमाटरों को हल्का फ्राई होने देंगे। गाइज जब हम इसमें लहसुन की कुछ कलियां, 2 लाल मिर्च, 2 इंच तक चॉप्ड अदरक और 4 से 5 मीठी नीम की पत्ती ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें रफली चॉप्ड धनिया पत्ती भी ऐड कर लेंगे। अब हम इन सबको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इन सबको मिक्सर जार में डालकर इनकी चटनी पीस लेंगे। चलिए अब हम अपने पोहा इडली को चेक कर लेते हैं। देखिए यह बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। इनसे मीठी नीम पत्ती की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। इनको हम पलट कर भी देख लेते हैं। देखिए यह बिल्कुल से चिपके नहीं हैं, आसानी से निकल जा रहे हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इनमें तड़का देने के लिए एक फ्राई पैन में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम कर लेते हैं। इनमें सरसों दाना डालकर हम इन्हें चटकने देते हैं। इसमें थोड़ी सी मीठी नीम की पत्ती और लाल मिर्च डाल लेते हैं। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। देखिए गाइज मैंने कुछ इस प्रकार से इसकी प्लेटिंग कर ली है। अब हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं।
देखिए चटनी भी कितनी अच्छी दिख रही है। गाइज हमने जो तड़का तैयार किया था उसे भी इसके ऊपर डाल देते हैं और धनिया पत्ती से कुछ इस प्रकार से गार्निश कर देते हैं। हम इसे कम तेल में फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से हम इसे सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी में इडली के बैटर के बनने बिगड़ने का टेंशन बिल्कुल ख़त्म है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। दोस्तों अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।